जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों के साथ विकास भवन के सभागार में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन के कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा, शासन का स्पष्ट निर्देश है कि हर एक व्यक्ति का कोविड वैक्सीनेशन किया जाए और जो लोग कार्यवाही में लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने 17 वर्ष से कम के युवकों के वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। 0.75% खाली हैं। ये आश्वासन तो हम जब से शुरू हुआ है तब से सुन रहे हैं, बराबर हो जाएगा कर रहे हैं। सर अपडेट बता दीजिए, आज से परमिशन दिए हैं, आज से अब तक नहीं मांगा। और उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है, वैक्सीन कितनी कॉस्टली है, कितनी मुसीबत से आ रही है। और अगर आप वैक्सीन वेस्टेज पर अगर ये सवाल करोगे तब तो निश्चित रूप से कष्टदायी होगा। क्योंकि सीएम साहब ने फिर आए थे तो साहब भैया मिलाओ इनको, फोन कहाँ है, ना खुद है ना कोई प्रतिनिधि है उर्वा का। DPM साहब लेकर के 17 साल की अगर हम बात कर लें तो मेरे ख्याल से आप इसमें 90% के नीचे वालों पर ही चर्चा की जाए, लेकिन इसमें कृपया वो बहाने मत दीजिएगा कि मतलब हमारा प्रांत जो है दूसरे प्रांत में है इसलिए हम जो है नहीं कर पा रहे हैं। कृपया ये बहाना मत दीजिएगा। लोग खाते नहीं है, रख लेते हैं ड्रग MDA की दवा जो है, ये चैलेंजेस है हमारा। मैं सबसे प्रॉब्लम ये है कि लोग खाते नहीं है, कई बार रख लेते हैं, खाली पेट नहीं देना होता, और खाली पेट होते हैं तो आशा बांट देती कई बार। अभी ऐसा नहीं है एक राउंड से, लेकिन उसमें फैमिली रिश्ते जो है वो और कुछ मिलते नहीं है, एब्सेंट रहते हैं, कुछ अलग ही है। मेन तो हमारे लिए यही होता है जिसको हमको टेकल करना है। ये जरूरी है कि उनको बताया जाए कि आप उसके अंदर टिकन हो सकते हैं, 10-15 साल बाद लक्षण दिखाएंगे तो आप उसको खाइए। बीमारी के बारे में कर सकते हैं।